तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित एक नए संसद भवन के बारे में। हजारों साल पुरानी भारत की सभ्यता और संस्कृति की एक छोटी सी झलक के साथ जो है आज की वीडियो की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। यंग निजा परोवेति गन्ना इत लघु चेत समुदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है वह तुम्हारा है, इस तरह की जो है मानसिकता छोटे या संकुचित सोच वाले लोग रखते हैं। उदार चरित्र के जो लोग होते हैं उसके लिए तो संपूर्ण विश्व जो है अपने घर के समान है, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी की इसमें जो है श्लोक में वर्णन किया गया है, संपूर्ण पृथ्वी यानी कि पूरी की पूरी जो है वसुंधरा उसके कुटुंब समान है यानी कि फैमिली है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि सिर्फ अपने हित के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के हित के लिए सोचता है। तो ऐसी सभ्यता और संस्कृति से धनी देश भारतवर्ष को नमन करते हुए जो है आज जो है हम इसकी मूलभूत संरचनाओं और इसकी सिद्धांतों को जो है संरक्षित करने वाले संविधान और उस संविधान को जो है सुचारू रूप से जो है एक दिशा देने वाले संसद भवन के बारे में जो है हम बात करेंगे। ये जो है संसद भवन का जो है बीच का वॉल है जिसपे की जो है यह ऐतिहासिक श्लोक जो है लिखा गया है। ये कालजयी श्लोक है, अयं निजा परोवेति गन्ना इति लघु चेत समुदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। यानी कि इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की यदि बात करें तो भारत की जो है मोनोपोली रही है कि सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का जो हो कल्याण हो। तो जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो चलिए आज के इस वीडियो में संसद से रिलेटेड जो है बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स को जो है हम कवर करते हुए चलेंगे और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नए संसद भवन जो है देश को उपहार स्वरूप जो है समझिए मिल चुका है और इसका जो है शिलान्यास 28 मई 2023 को हुआ है। कब हुआ है? 28 मई 2023 को जो है राष्ट्र को समर्पित किए अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। तो देखिए नए संसद भवन से क्या क्या सवाल जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसको देख लीजिए। एक डिटेल वीडियो जो है इसके बारे में ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में आदित्यपुरम के जाके चेकआउट कर सकते हैं। इनको देख लीजिए, ये जो है संसद भवन की जो है रूपरेखा तैयार करने वाले यानी कि आर्किटेक्ट है अपने नए संसद भवन के, इनका नाम डॉक्टर विमल पटेल है और इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलते हैं एक एक करके अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है इसे देख लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? तो आधारशिला यानी कि जो है ना बेसिक फाउंडेशन कुर्सी, हम लोग घर बनाते हैं ना तो क्या करते हैं कुर्सी देते हैं, तो वो क्या होता है हमारा बेस होता है, उसी पे तो सारा घर बनता है। ठीक है, तो जब संसद भवन पूरा का पूरा बन रहा होगा तो उसका कहीं ना कहीं पहला ईंट रखा गया होगा, तो उसी को हम क्या करते हैं फाउंडेशन करते हैं, उसी को जो है शुद्ध हिंदी में आधारशिला कहा जाता है। तो आधारशिला यानी कि शुरुआत और शिलान्यास यानी कि बनके वो तैयार हो गया है इनॉग्रेशन। ठीक, तो देखिए नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 10 दिसंबर 2020 को जो है नए संसद भवन की जो है आधारशिला रखी गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोदी जो है पूरा प्राण प्रतिष्ठा के साथ जो है पूजा पाठ करते हुए विधिवत जो है नए संसद भवन की आधारशिला को रखे हैं। 15 जनवरी 2021 से जो है काम जो है सुचारू रूप से चालू हो गया, सुचारू रूप से यानी कि फुल प्लेजेंस के साथ जो है काम कब से चालू हुआ 15 जनवरी 2021 के साथ। 11 जुलाई 2022 को जो है ऊपर पे जो है नए संसद भवन का जो सिंह स्तंभ बना हुआ है वो बन के पूरा हो गया, तो उसका जो है अनावरण किया गया है कब 11 जुलाई 2022 को, और 28 मई 2023 को जो है पूरा का पूरा संसद भवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया यानी कि इसका शिलान्यास इस दिन जो है बनकर तैयार हो गया। यदि क्वेश्चन है कि संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया, वो बनकर कब तैयार हो गया, तो ये जो है बनकर कब तैयार हो गया 28 मई 2023 को। देखिए एस्टीमेट जो है ना टारगेट रखा गया था कि नवंबर 2022 तक ही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कोविड के कारण थोड़ा सा डिले हो गया, फिर भी रिकॉर्ड टाइम में जो है 2.5 साल में बन के तैयार हो गया हमारा नया संसद भवन। संसद भवन जो है ना उसको बनने में 6 साल लग गया था। ठीक है, 1921 में वो बनना चालू हुआ था और 1927 में जाके बना था। नया संसद भवन जो है 20 में चालू हुआ और 23 में बन गया। 20 में तो समझिए कि सिर्फ आधारशिला रखी गई, 21 में समझिए चालू हुआ और 23 में बन गया। अगले क्वेश्चन पर,
अगला क्वेश्चन है, नेशनल संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो देखिए यदि क्वेश्चन है कहाँ रखी गई है, तो आपको तो पता ही है दिल्ली में रखी गई। तो दिल्ली में एक जगह है, ठीक है, कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस से के अंतर्गत आता है जनपद, ठीक है। तो जनपद के अंतर्गत जो है आता है संसद मार्ग, ठीक है। संसद मार्ग के पास वाला एरिया जो है उसको क्या कहा जाता है कि गोकुल नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोकुल नगर, ठीक। तो गोकुल नगर में जो है ये स्थापित है, ठीक। तो इसे आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, संसद भवन की जो है आधारशिला किसने रखी? तो आपको पता है द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति हैं और जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है वो अभी वर्तमान समय के चीफ जस्टिस है इंडिया के, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी जो है इसकी आधारशिला रखे थे। किसने रखे थे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। तो माननीय प्रधानमंत्री ने जो है आधारशिला रखी थी। अगला क्वेश्चन है, नया संसद भवन क्षेत्र कितने जगह में फैला हुआ है? ये जो है इसका फैलाव कितना है? तो इसका एग्जैक्ट पर यदि पूछा जाए तो 64,500 वर्ग मीटर, 64,500 वर्ग मीटर में जो है ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। तो इसको याद रखिए, इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। 64,500 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। 20,886 मीटर स्क्वायर जो है ना ये वाला जगह है, ठीक है। प्रांगण में जो है थोड़ा सा जगह छोड़ दिया गया है जो कि ऊपर से धूप और प्रकाश सब आ सके, ये खुला जगह जो छोड़ दिया गया है। ये कितना है? 20,866 मीटर। 22,686 वर्ग मीटर जो है पुराना वाला जो है संसद भवन जो उसके पीछे बना हुआ है उसका क्षेत्रफल है। और 65,000 वर्ग मीटर जो है यदि आपको राउंड फिगर में पूछा जाए, ठीक है, 64,500 को ही 65,000 के लगभग लगभग कंसीडर किया जाता है, ठीक है। यदि 65,000, 1,00,000, 2,50,000 इस तरह के लंबा लंबा जो है ना रेंज दिया जाए तो आप जो है 65,000 को राउंड फिगर में नियर बाय लेके चलेंगे। यदि एग्जैक्ट पूछा जाए तो 64,500 वर्ग मीटर जो है हो जाए। भारत की नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो स्पष्ट है, ठीक है, कि पिछले वाले वीडियो में बता दिया, आप पिक्चर भी देख सकते हैं। ये संसद भवन जो है ना, यहाँ से देखिए इसको, ठीक है। तो ये जो है त्रिकोणीय आकार का है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना शीर्ष के पास जो है थोड़ा थोड़ा चारों तरफ छोड़ा गया, जिसके कारण ये षटकोण की तरह बन गया। वॉलीबॉल सब खेलते हैं उसके ऊपर बना था इस तरह का गेंद की आकृति का, तो उसी तरह का जो है ना ये बन गया है, ठीक है। लेकिन जो है मूल रूप से इसका आकार कैसा है, वो तो त्रिकोणीय आकार है। तो ये नंबर जो है सही हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिकोणीय। तो नए लोकसभा सदन जो अभी बना हुआ है संसद भवन में, उसमें कितने सदस्य की बैठने की व्यवस्था है? अभी जो नया लोकसभा मतलब है ना, जो अभी नया संसद भवन बना है उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों है। लोकसभा किसके पैटर्न में बना है? तो पिकॉक के पैटर्न पे बना है। राज्यसभा किस पे बना है? तो लोटस के पैटर्न पे बना है। लोकसभा जो है वो हरे रंग का है, राज्यसभा जो है वो लाल रंग का है। प्रांगण में जो है बरगद का पेड़ लगा है, यानी कि 3 राष्ट्रीय प्रतीक का जो है इसमें सम्मिलन है। क्या क्या है? बरगद का पेड़, ठीक है, और कमल का फूल और मोर, इस 3 चीज का जो है इसमें समायोजन है। अब इसमें देख लीजिए सीटिंग कैपेसिटी पूछ रहा है, तो सीटिंग कैपेसिटी नया वाला जो है ना 888 है। कितना है? 888। देखिए लोकसभा में 888 है, राज्यसभा में कितना है? 384। दोनों याद रखिए, ठीक है। लोकसभा में कितना है? 888। राज्यसभा में कितना? 384। और ओवरऑल यदि पूछे तो 1272। ओवरऑल पूछे तो कितना? 1272, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पूछिए। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? नए संसद भवन का उद्घाटन जो है 28 मई को किया गया, ठीक है, 28 मई 2023 को किया गया। इसी दिन जो है सावरकर जयंती हुई है, सावरकर जी का जो है जन्म भी जो है इसी दिन हुआ है। थोड़ा सा जो विवाद भी उठे गांधी जी के वंशज जो है, थोड़ा सा टीका टिप्पणी भी किए थे कि संसद भवन का नाम जो है सावरकर भवन रख दिया जाए। इसका सुझाव पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी संसद भी बढ़िया नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन ये है 11 जुलाई 2022, तो आपको बता ही दिए कि जो संसद भवन के ऊपर फेसिंग स्तंभ है उसका अनावरण कब हुआ था? 11 जुलाई 2022, सिंह स्तंभ। एक क्वेश्चन से रिलेट करके जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि ठीक है एक क्वेश्चन को किए उसी से आंसर रट लिया हो गया। देखिए, और आधारशिला कब रखी गई थी? तो 10 दिसंबर 2020 को। आधारशिला यानी कि फाउंडेशन, इसका आधार कब रखा गया था? 10 दिसंबर 2020 को।
सुचारू रूप से 15 जनवरी 2021 को जो है चालू। नया संसद भवन कितने मंजिल का है? ठीक है, तो नया संसद भवन जो है 4 मंजिला इमारत है। कितने मंजिल का इमारत है? 4 मंजिला इमारत है। इसमें कुल मिला के जो है 92 रूम है। कितने कमरे हैं? कुल मिला के 92 कमरे हैं। छोटे छोटे खिड़की और दरवाजे की यदि बात कर लें तो 1700 लगभग खिड़की और दरवाजे हैं। ठीक है, कितने खिड़की और दरवाजे हैं? 1700 लगभग खिड़की और दरवाजे हैं। कमरे कितने हैं? कुल मिला के 92 कमरे हैं। ठीक है, और कितना मंजिल का इमारत है? तो 4 मंजिला इमारत है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उस समय जो है ना, जब भारत का पुराना संसद भवन बना था, नींव रखी गई थी 1921 में, बन के तैयार हुआ था 1927 में, तो उसका जो है उद्घाटन कौन किए थे? लॉर्ड एल्गिन। चूंकि हमको ऑप्शन सही से नहीं एडजस्ट हो रहा था, तो हम जो है अपने हिसाब से ऑप्शन लगा दिए। एडमिन जो है ये और हर्बर्ट बेकर जो है ये तो आर्किटेक्ट थे जो कि पुराने वाले संसद को डिजाइन किए थे। नरेंद्र मोदी जो है वो नया वाला संसद का उद्घाटन किए हैं, तो लॉर्ड इरविन जो है ये पुराने वाले संसद के उद्घाटन करता है। ठीक है, देखिए ये जो एडविन ल्यूजियंस है और हर्बर्ट बेकर है, तो अंग्रेज को उतना कुछ थोड़ी आता था, वो तो भारत के ही बहुत सारे चीजों का अध्ययन करके हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है डेवलप थी। वो लोग तो हम ही से जो है ना चेप चेप के जो है आगे बढ़ गया। इसका जो ये भवन बनाया है ना, ये जो आर्किटेक्ट, दोनों आर्किटेक्ट जो है इसमें अपना जो है रूपरेखा इसका तैयार किया है, ये जो है ना 64 योगिनी मंदिर है। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर के तर्ज पे एज इट इज जो है ना इसको रखा गया है। ठीक है, तो वो उन्होंने जो है मॉनिटरिंग किया, जहां उनको जो है समझ में उसी को क्या किया, चेप दिया। ठीक, 64 योगिनी मंदिर के तर्ज पे जो है बनाया गया। ये सब जो थोड़ी किताबों में पढ़ाया जा रहा है, वो तो धन्य है योगी जी का जो कि अभी सिलेबस में चेंज किए हैं, बहुत सारा जो है अच्छा अच्छा सुधार हुआ है, जिसके कारण जो है ना कि अब हम लोगों को एग्जैक्ट सही चीज और अपने देश से जुड़े हुए सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए बहुत सारे जो है ना चीज जो दफन हो चुका है वो सब पढ़ने का मौका मिलेगा। शिक्षा का स्तर जो है ना बहुत ही ऊंचा होने वाला। भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? तो देखिए प्रोजेक्ट यदि पूछे तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया गया। ठेकेदार कौन था, किसने करवाया था यदि ये पूछा जाए तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए संसद भवन का निर्माण करता कौन है, यानी निर्माण कराने वाली कंपनी कौन है? देखिए बनवाया किसने है, तो बनवाया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, ये राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये आता है, तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। भारत की नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना जो है हद से ज्यादा है, हो सकता है आगामी परीक्षा में 100% ये क्वेश्चन है कि भारत की नई संसद भवन की डिजाइन जो है किसने तैयार की है। तो आर्किटेक्ट डॉक्टर विमल जो है पटेल, ये फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, एचसीपी के जो है ये अभी चेयरपर्सन है, और इन्होंने ही जो है ना डॉक्टर विमल पटेल जो है इन्होंने जो है अभी जो नया संसद भवन बना है उसकी रूपरेखा तैयार की है। देखिए इनसे जुड़े हुए 2-3 चीज और आपको बता देते हैं कि काशी का जो प्रोजेक्ट था उसको बहुत ही बखूबी से इन्होंने बनाया है, और इनको जो है 1992 ईस्वी में वास्तुकला के क्षेत्र में जो है ना आगरा का सम्मान से जो है सम्मानित किया जा चुका है, और 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जो कि बहुत ही गौरवप्रद बात है। भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके पिछले वाले वीडियो में भी, अभी भी क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस कर लिए इसको, तो आप खुद से बताने की कोशिश कीजिए, बताइए कि जो है भारत में जो अभी नया संसद भवन बना है उसमें राज्यसभा में कितने सीटें हैं। राज्यसभा में कितने सीटें हैं? 384 सीटें। कितना सीट है? 384। ठीक है, और 888 जो है ये किसमें है, ये जो है लोकसभा में, 245 जो है वर्तमान लोकसभा की जो है सीट है, और 545 जो है इससे पहले की लोकसभा की सीट थी, जो कि 2019 में जो है एक अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट होने के बाद 2 एंग्लो सीट जो है उसको हटा दिया गया है, और अब जो है वर्तमान समय में लोकसभा में कितनी सीट है, तो 543 सीट है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत की नई संसद भवन में संयुक्त सत्र में कुल कितने लोग बैठ सकते हैं। तो आपको देखिए दोनों को याद है, लोकसभा में कितनी सीटिंग कैपेसिटी थी 888 और राज्यसभा में 384, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 1272। देखिए ऑप्शन में 1272 यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला जो था ना संसद भवन, उसमें जो है एक सेंट्रल हॉल अलग से था संयुक्त बैठक के लिए, इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं, लोकसभा ने इतना बड़ा बना दिया है ना कि उसी में जो है सारा का सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के आजादी के कितने वर्षों बाद किया गया, तो आजादी के जो है 75वें महोत्सव पे जो है किया गया। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 75। ठीक है, 2020 में जो है इसकी आधारशिला रखी गई, इसकी आधार जो है यानी कि फाउंडेशन जो है कब रखी गई 2020 में। 2022 में जो है सिंह स्तंभ बन के तैयार हुआ, सिंह स्तंभ बन के तैयार हो गया। ठीक है, और 2023 में पूरा पूरा संसद भवन, ठीक है, नया संसद भवन बन के तैयार हो गया। और देखिए 28 मई 2023 को जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसी समय जो है 75 रुपए का सिक्का चलाया गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, इसे भी जो है याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया, तो ये तो घिसा पिटा सवाल है। ठीक है, आप खुद से आपको याद ही हो गया होगा, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ए और बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहली बार आप देख सकते हैं कि दो गधा जो है हाथी पे बैठा हुआ है। ठीक है, फोटो में जो है साफ साफ दिख रहा है, ये इधर वाला जो है एडविन लुटियंस है और ऊपर वाला जो है वो क्या है, वो हर्बर्ट बेकर है। ठीक है, अच्छा इसको गधा इसलिए बोले कि ये जो है ना संसद भवन जो बनाया है ना उसको जो है कॉपी करके बनाया है। ठीक, 64 योगिनी मंदिर के जो है ना वस्तु कला को एज इट इज कॉपी किया गया है। आप इसे जो है चेक भी कर सकते हैं गूगल पे, यानी तो बहुत सारे बुक में जो है इसको इसका वर्णन आपको मिलेगा। डॉक्टर विमल पटेल जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित जो है बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट हैं भारत के, और डिजाइन और डेवलपमेंट के फील्ड में जो है प्लानिंग करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। काशी प्रोजेक्ट जो है इनका बहुत ही सराहनीय प्रोजेक्ट है, इन्होंने जो है नया संसद भवन का रूपरेखा दिया। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई है। ठीक, हो सकता है 545 भी ले ले, हो सकता है 543 ले। यदि वर्तमान में बात किया जाए तो 2019 में जो है अमेंडमेंट हुआ है जिसके तहत दो जो एंग्लो सीट था ना लोकसभा का उसको हटा दिया गया है। ठीक, तो अभी जो है 543 राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 545। 888 जो है ये वर्तमान समय में जो संसद बना है उसके लोकसभा में जो है सीटिंग कैपेसिटी है, और 384 जो है राज्यसभा की सीटिंग कैपेसिटी है नया वाला संसद का। अगला क्वेश्चन है संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो देखिए समझिए पहले संसद क्या होता है। तो संसद तीन चीज मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से यदि मिलाया जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। ठीक, तो संसद का जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो है 79। ठीक है, 79 में जो है संसद के बारे में बताया। भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही समझिए। नींव जो है 1921 में रखी गई थी, कब रखी गई थी नींव 1921 में रखी गई थी। बनके कब तैयार हो गया था, तो बनके जो है बनके तैयार हो गया था 1927 में। ठीक है, नींव कब रखी गई थी, नींव रखी गई थी 1921 में। ठीक है, पूरा पूरा 6 साल लगा था बनने में, कितना साल लगा था 6 वर्ष लगा था। टोटल कितना मल्टा लगा था इसको बनाने में, तो इसको बनाने में लगभग लगभग जो है 83 लाख लग गया था, कितना लग गया था 83 लाख। ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था। देखिए बन के तैयार होगा तभी तो उद्घाटन किया जाएगा ना, बीच में नहीं उद्घाटन हो जाएगा। तो देखिए बनना कब चालू हुआ था, 1921 में बनना चालू हुआ था, बन के तैयार हुआ 1927 में, तो उद्घाटन भी ऑब्वियसली 1927 में हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी 1927। ठीक है, 1921 में जो है नींव रखी गई थी, क्या रखी गई थी, नींव रखी गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है
कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ली गई है। किससे ली गई है? ब्रिटेन से। भारत के पुराने संसद भवन में कुल कितनी लागत आई थी? देखिए तुरंत थोड़ी देर पहले बताया, भारत के पुराने संसद भवन में लागत कितनी आई थी? तो 83 लाख रुपए आई थी। कितनी आई थी? 83 लाख। उस समय बहुत था, ठीक है, 83 लाख को कम नहीं समझे। 83 लाख रुपया जो है, यानी कि ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। 83 लाख रुपया की लागत से जो है उस समय पुराना संसद भवन बना था। किसने बनाया था? एडविन ल्यूटियंस ने बनाया था, ठीक है, और बेकर ने बनाया था, दोनों मिल के जो है बनाया था। ये 1200 जो है इसको याद रखिए, 1200 करोड़ जो है नया वाला संसद भवन को बनाने लगा, नया संसद भवन। नया संसद भवन जो बना है कितना बना? ये 1200 करोड़ लग गया बनने में, ठीक है। एस्टीमेट आका गया था 800 से 900 करोड़, ठीक है, 971 करोड़ की एस्टीमेट आका गया था, लेकिन बनते बनते जो है इसको हाईटेक बनाया गया, बहुत ही बेहतरीन बना है, ठीक। तो इसको बनते बनते कितना लग गया? 1200 करोड़ जो है लगभग लगभग लग गया। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई संसद भवन, अस्थाई यानी कि अस्थाई संसद भारत में कब तक रही? अस्थाई संसद जो है भारत में कब तक रही, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, अस्थाई संसद जो है भारत में तब तक रही जब तक जो है कि पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं हो गया। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? संविधान लागू हुआ 1952 में, तो 1952 तक जो है अस्थाई संसद, उसके बाद संसद को परमानेंट माना जाने लगा। तो आज का वीडियो जो है यही समाप्त करते हैं, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, और हमें सब्सक्राइब करने के लिए जो है आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं। इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं सारे ग्रुप में भेज दीजिए, क्योंकि ये जो है ना अभी करंट टॉपिक है, और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट को जानना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है।